बीते 8 अक्टूबर को बटाला पुलिस वालों लंबी मशक्कत तो बाद काबू किए गए गैंगस्टर बबलू नूं बटाला पुलिस अधीन पेंदे थाना रंगण नगल की पुलिस वालों 4 दिन के रिमांड खत्म हो जाने तो मगरों दोबारा सिविल कोर्ट बटाला विच पेश किया गया, जिथे मानयोग जज ने रंगण नगल थाने की पुलिस नूं बबलू गैंगस्टर नूं दोबारा 4 दिन के रिमांड से भेज दिया गया है। हुण बबलू नूं 17 अक्टूबर को दोबारा पेशी से बटाला पुलिस वालों सिविल कोर्ट लिया जाएगा। इस मौके SHO मनबीर सिंह ने दसा कि पिछले 4 दिन के रिमांड में बबलू को पुछगिछ दौरान पता चला है कि 19/9/22 को संदलपुर ड्रेन उत्ते जो गोली चलन की घटना वापरी सी उस विच बबलू भी शामिल सी अते 10 सितंबर को जो कोटला सफर में गोली चलाई गई सी उस विच ही बबलू शामिल सी। इन दोवां केसां विच बबलू नूं नामजद करते हुए सिविल कोर्ट में पेश करते हुए 4 दिन का रिमांड लिया गया है। हुण 17 अक्टूबर को दोबारा सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा। रणजोत सिंह बबलू आ सानू तेज प्रताप सिंह इहदा पिंड हैगा मैता नंगल, इहनू पहिलां गिरफ्तार कीता सी मुकदमा नंबर 124 पर इहने दुराने तफतीश दस्सिया भी संदलपुर ड्रेन दे कंडे 19/9/22 नूं गोली असीं चलाई आ। इह उच्च वी नामजद कीता, दोवां मुकदमिआं च इहनू पेश कीता ते इहनां दोनों मुकदमिआं च इहनां दा रिमांड मिलिया 4 दिन दा। 17 तरीक नूं दुबारा पेश करना इहनू। दस्या ने भी मैं इंकशाफ किया भी संदलपुर ड्रेन से गोली अं चलाई है, एक किने कोटला सिर्फ भी गोली अंदा अं चलाई है 10 तरीक में, तो साथी नाल सी कोई रिश्तेदार ने जेडे इन्होंने ग्रोह बनाया वा। 4 दिन मारन तो बाद कित्थे लै गया? बस अपनी हिरासत में पुलिस हिरासत उत्ते पुछगिछ करांगे। ठीक है।